नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। 6800 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति के लिए आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लीगल टीमें आज जनता दरबार में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल उनका जो वेटिंग लिस्ट है वो चौथे नंबर पे लगा हुआ है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जनता दरबार में पहुंचे हुए हैं। टीम के सदस्यों में अमरेंद्र और गोरखपुर की टीम, इसके अलावा आसपास क्षेत्र के भी जितने भी सदस्य हैं सब पहुंचे हुए हैं वहां पर जनता दरबार में। टीम ने जारी अभी के अपडेट में कहा है कि जनता दरबार में एंट्री हो गई है, तीसरे और चौथे नंबर पर इनका लगा हुआ है। 6800 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के लगातार लीगल टीम लखनऊ से लेकर के गोरखपुर तक, इसके अलावा अपने अपने जिलों में संघर्ष कर रही है। तो दरबार में इस समय काफ़ी भीड़ भी है वहाँ पर देखिए, और सभी अपने ज्ञापन और पूरी फाइल के साथ समय जनता दरबार के अंदर प्रवेश कर गए हैं। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी वक्तव्य से अवगत कराएंगे। यहाँ पर संख्या भी अच्छी खासी है, ये पूरी टीम जो कि वहाँ पर रात से ही इंतज़ार कर रही है जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और अब उनका जनता दरबार में एंट्री भी हो चुका है। 6800 से संबंधित अब जो भी न्यूज होगा जनता दरबार से निकलने के बाद ही दिया जा सकता है। फिलहाल शिक्षा मित्रों को शिक्षक की गणना में शामिल ना करें, ये मांग किया जा रहा है नई शिक्षक भर्ती की टीम के द्वारा। कहा जा रहा है कि सचिव शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद डीएलएड प्रशिक्षुओं ने कि जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं उनकी गिनती ना की जाए, जिसके कारण जो सीटें हैं वे और छात्र अनुपात बराबर हो जा रहे हैं। अगर इन लोगों का नहीं गणना किया जाएगा तो शिक्षक छात्र अनुपात काफ़ी कम रहेगा, जिससे नई भर्ती निकालने में आसानी रहेगी। ज्ञापन देने वालों में राहुल यादव, अखंड प्रताप, विनय आदि शामिल थे। तदर्थ शिक्षकों का वेतन निर्गत करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना होगा, ये अनिल सिंह ने कहा है। जबकि तदर्थ शिक्षक के रिक्त पदों को भरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हिस्सा है। तदर्थ शिक्षक के रिक्त पदों पर 27,000 शिक्षक की भर्ती निकालने की मांग की जा रही है। कारण आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती आने के बाद से ही अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। कम सीटों के कारण अभ्यर्थी इन पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी के कम पदों पर विज्ञापन से युवाओं में भारी नाराजगी, 27,000 से कम पदों पर विज्ञापन स्वीकार नहीं। तो जनता दरबार में पहुंचने के लिए अपने अपने लोगों के साथ और बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं सभी। करें आज की अपडेट न्यूज की, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई डेट तय है। जबकि टीजीटी पीजीटी में 27,000 पदों पर भर्ती की विज्ञापन की मांग की जा रही है विभिन्न दलों टीमों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा और सेहत से समझौता नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी, काउंसलिंग के एक और राउंड की मांग पर फैसला सुरक्षित। और सीधी भर्ती के 14 पदों पर आवेदन शुरू। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती निकालने के लिए 14 पदों की ज्ञापन जारी कर दिया है। और जूनियर एडल्ट शिक्षक भर्ती दोबारा OMR से जांचने पर पारदर्शिता को किया प्रदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रस्नातक के लिए आज से करें आवेदन। और तकनीकी पर नाट के या 1400 सीटों का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट पीजी शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में 4 भारतीय संस्थान शामिल। और 25 साल पहले जो विषय समाप्त, अब उनके शिक्षक की भर्ती की मांग हो रही है। तो इसके शिक्षक के लिए भर्ती निकाली गई है। प्रदेश के 7 अपरा माध्यमिक विद्यालय में जो 25 साल पहले समाप्त कर दिया गया, उसके शिक्षक की भर्ती होने लगी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों के साथ और जीव विज्ञान के 50 पदों के लिए आवेदन मांगे। मजे की बात, 1998 में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का विलय विज्ञान विषय में कर दिया गया है। तो 1998 से अब तक 25 साल हो गए हैं। उसके बाद यह अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। चयन बोर्ड ने 2016 में विज्ञापन में टीजीटी विषय के 304 पदों की 12 जुलाई 2018 को इसी आधार पर निरस्त कर दिया कि जो विषय पढ़ाया नहीं जाता उसके शिक्षक की भर्ती क्यों की जाए। लेकिन इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कहते हैं हाईकोर्ट चले गए, यूपी इंटरमीडिएट एक्ट 1951 में संशोधन किए बगैर करना ये गलत होगा। तो ये फिर से 50 सीटें मांग ली गई है। हालांकि अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं कि 50 नहीं बल्कि और पदों को निकाला जाए। लाहौर के प्रमाण पत्र पर भी यूपी में शिक्षक की नौकरी होती है, जबकि 2020 की भर्ती में दोबारा मांगे गए थे आवेदन। 4 साल में माध्यमिक ने अभी तक नियमावली संशोधन नहीं कर पाए हैं।